सासू माँ आज क्या बनाए अफ्तार के लिए, क्या बनाए, क्या खाओगी? मैं तो शाही खा जाएंगे, डब्बा खराब रू अच्छा सा नहीं खाएंगे मिला अज मेरे को बुखार है, रात जरा दा तत्ता बुला पानी दीते हुए ठंडा पानी अज हाँ को भा लगी खड़ी हो क्या बड़े मेरा कुछ बड़ा वाले चलो कचरो बस बस के पिया कचरो बड़ा होता बस दिया मैं क्या मेरा तो रू अच्छा है करा मैं तो चेक खाऊ जी मेरे रोजा चार करो चलो मैं देखती हूँ आलू दो तीन जो ना पड़े थे तो देखती हूँ बनाती हूँ कोशिश करती हूँ कुछ बनाने की आखिर तो तारी करनी पड़ेगी ना बनानी तो पड़ेगी ना बुलाओ बुलाओ अजान पता नहीं क्या खा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम प्यारे वक्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जो मेरे भाई बहनें दुख में है, तकलीफ में है या किसी परेशानी में है, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। तो इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम भाई और बहनों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और जाना वीडियो को पूरा वॉच करना, लाइक शेयर भी ज़रूर करना है जी। तो प्यारे बात आज जो है ना सासू माँ की बहुत ही तबीयत ख़राब हो चुकी है क्योंकि आज जो है ना पंजी रोज़ा है ना, इसी वजह से जो है ना बुज़ुर्ग है ना, तो हमारे हालात का तो आपको पता है, जो भी घर में होता है वो बना लेते हैं तो अच्छी खुराक तो हमारे पास होती नहीं, तो इसी वजह से जो है ना आज सासू माँ को बहुत कमज़ोरी हो चुकी है। विवाद असल में हमारा जो है ना कूलर पंखा भी नहीं है क्योंकि जो छत वाला पंखा होता है ना हमारे गांव में इतनी गर्म हवा चल रही है ना, वो छत वाला जो पंखा होता है ना उनकी इतनी गर्म हवा होती है रोज़े के साथ, तो बस उनके नीचे जो है ना सोया ही नहीं जाता और ऊपर से जो है ना बर्फ़ की इतनी परेशानी है। हमारा गांव है, काफ़ी दूर है जाना पड़ता है और बर्फ़ जो है ना लेकर आनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम विवार। तो विवार असल में हमारा फ्रिज वगैरह भी नहीं है तो आज जो है ना सासू माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, तो अल्लाह बेहतरी करेगा। रोज़े तो माशाल्लाह से बुज़ुर्ग है ना पूरे करेगी क्योंकि इंसान पर जो है ना रोज़ा फ़र्ज़ है ना, हम खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि हम भी रोज़े पूरे कर लें। विवार्स तो चलते हैं किचन की तरफ, जो सब्जी जो है ना वो सालन भी बनाते हैं और सासू माँ के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा ना अफ्तारी में। तो आओ अजान देखा है मेरा, देखा जूता देखा है टूटा या जूता है कोई साको कोई देंदी मेरे को कोई कैसा देंदे देखा, देख मेरा जूता दिखा विवार को मेरा जूता ते है पावन दा मेरे कपड़े हैं दे सारे गंदे पाड़े चीरे हुए कोई है। असल में विवार सासू माँ बात ये कर रही है कि मैं जो है ना माशाल्लाह से रोज़े भी रख रही हूँ तो ये हमसे जो है ना ईदी मांग रही थी, तो हमने कहा कि हम बच्चों के कपड़े खरीदे या आपको ईदी दे, तो इसी वजह से जो है ना आज इन्होंने कहा मैं खुद विवार से बात करूंगी। ये देखे आज जो है ना सासू माँ खुद आपसे विवार बात कर रही है, तो इनकी बात पर मुझे जो इसी वजह पर हंसी आ रही है क्योंकि इनको हमारे हालात का भी पता है कि बच्चों के कपड़े जूते भी नहीं है, मुझे ये कहाँ से लेकर देंगे, तो इसलिए जो है ना आज इन्होंने सोचा कि मैं वीडियो में खुद कहूँगी और विवार से बात करूँगी, ना ही मेरा जूता है ना ही कपड़े है, आपको दिखा रही है विवार से। ये देखें विवाह अयान बैठा हुआ है, मैं प्याज और आलू काट के बना लेती हूँ ठीक है ना सासू माँ? ठीक है मैं बना लेती हूँ, प्याज भी काट लेती हूँ बारीक बारीक और आलू भी। तुम ऐसा करो आटा, चलो आज जो है ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आटा ही खुद गूंद लूँगी और जो है ना रोटी भी खुद बना लूँगी, पहले जल्द आज मैं ज़्यादा जल्दी कर लूँगी, रोटी भी बना लूँगी और सालन भी थोड़ा सा जो है ना तड़का लगा कर आपको जो है ना रोज़ा तारी में दे दूँगी। तो आज जो है ना विवार मेरी सासू माँ की बिल्कुल तबीयत ख़राब है, तो आप तमाम भाई और बहनें दुआ करें कि बस जो है ना 5 रोज़े बाकी रह गए हैं, अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान को आप जो है ना कमेंट में बताना हमारे लिए, दुआ करना मेरी दादी के लिए कि वो रोज़े रख सके, इनकी सेहत ठीक हो जाए। असल में हम
ज़्यादा जलती। दिन को जो है ना सासू माँ को रोज़ा होता है ना, साथ में अस्पताल भी नहीं है के यानी के रोज़ा अफ्तारी के बाद हम इनको लेकर कहीं जो है ना इनकी दवाई ले आए, तो काफ़ी दूर है ना, बहुत परेशानी होती है। तो मेडिसिन तो दे देते हैं, जैसे कि पैराडाल होती है, ये गोली वगैरह तो शाम को ले लेती है ना रोज़े अफ्तारी के बाद। तो अभी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। रोज़ा तो इंसान पर फ़र्ज है, जैसे भी इंसान के हालात हों तो रोज़ा तो रखना ही चाहिए। रोज़े तो पूरे रखना है ना। चलो मैं सालन बना लेती हूँ, आटा भी गूंद लेती हूँ जल्दी जल्दी तड़का लगा के। असल में विवाद भी वर्ज, मुझे भी रोज़ा होता है और सासू माँ को भी रोज़ा होता है, तो शाम का जो काम होता है ना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है, आसानी से नहीं होता। चलो आटा गूंद देती थी ना मैं, जल्दी जल्दी सालन रोटी बना लेती थी। आज जो है ना बिल्कुल सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो खुद ही मैं आटा ही गूंदूंगी और सालन रोटी बनाऊंगी। बस क्या करें, इतनी गर्मी है, बहुत गर्मी है गांव में, तत्ती लूरी चल पड़ती है, इतनी गर्मी होती है ना अंदर ही नहीं बैठा जाता। बाहर जो है ना दरख्तों के नीचे तो वैसे ही नहीं बैठा जाता, जो पानी होता है मोटर का वो इतना गर्म हो जाता है ना, ड्रम में जो भरा हुआ होता है वो इतना गर्म हो जाता है। तो व्यूअर्स देखिए हमारे ड्रम के हालात, हम इसमें ही पानी डालकर जो है ना जब लाइट चली जाती है ना फिर गुजारा करते हैं। शाम को जो है ना दिल्ले का पानी होता है, ये देखें आपके सामने जो है ना ये दिल्ला हमने भर के रखा। असल में व्यूअर्स नुमान जो है ना छोटा सा है, तो बार बार जो है ना इनको ये कैसे जाए बाहर और हर चीज़ खरीद कर लाए, तो मुझे परेशानी हो जाती है। मैं सोचती हूँ कि ये छोटा है ना, इसे तो अच्छा है कि नुमान तुम ना जाओ बस कुछ खरीदने, जो पड़ा होता है घर में बच्चा कुचा वो बना लेते हैं, क्या करें। खुद इनकी दादी माँ भी कहती है कि नुमान को मत भेजो अभी छोटा है, तो कि जो है ना छोटे बच्चे हैं ना उनकी सोच भी रखनी पड़ती है ना। असल में रिवर्स नुमान और अजान के जो भी जाना है ना वो मजदूरी पर चले जाते हैं, एक महीने बाद आते हैं, पता नहीं ये जो पा रहे हैं पर आएंगे या नहीं आएंगे ये भी हमें मालूम नहीं है। फोन पर बात होती तो है, लेकिन जो है ना अनुमान जो है ना बेचारा स्कूल भी जाता है और घर के जो है ना सौदे सूद जो भी होता है वो ले आता है, तो फिर जो है ना सास कुमार रोजे भी रखती है और हम घर का गुजारा चलाते हैं, क्या करें। जो भी घर में होता है ना वो बना लेते हैं। बस जान तुमने क्या बनाई है? ये मैंने झोपड़ी बना ली है, और ये देखो मैंने झोपड़ी बना ली। और कोई काम नहीं है? इस झोपड़ी को बना कर क्या करोगे? खेलूंगा इसके साथ। खेलोगे नीचे सालन रोटी बनाओगे? नहीं, मुझे भी ऐसी बना दो बड़ी सी यार, मुझे यहाँ पर जो है ना गर्मी लगती है। बना दोगे बेटा? इतनी बड़ी नहीं बनती मुझसे। हाँ, असल में जान छोटा है ना, ये अपने खेलने के लिए तो बना लेता है, लेकिन मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे ये कैसे बना कर देंगे। तो व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ ये सालन रोटी तो हम बनाते रहेंगे और इंशाल्लाह अफ्तारी के टाइम तक ये सब हम तैयार कर लेंगे। व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी, और कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह। और मेरा सर